हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेडलाइन न्यूज के लिए हमारे साथ तावुन किया है रिंस चॉकलेट बिस्किट्स, आयरन रिच एनर्जी के साथ अब एडवेंचर हर रोज। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। तीनों रेफरेंसेस में आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। हम चाहते हैं एक इल्जाम पर एक ही फर्द जुर्म आयद की जाए। मुतादिद रेफरेंसेस पर समाअत से शफाफ ट्रायल नहीं होगा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के एहतसाब अदालत में दलाइल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड वापस चले गए। शरीफ फैमिली का आज भी शहाना प्रोटोकॉल। काफले में एक दो नहीं पूरी 30 गाड़ियां शामिल थी। सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़े लग गई, कार को नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ साहब के साथ भी पहली बार मिला, हर बार यही होता है। नवाज शरीफ से पाकिस्तान के करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम, कहा जम्हूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी जम्हूरियत को नुकसान पहुंचा रही हैं। JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 पब्लिक किया जाए, दानियाल अजीज का मुतालिबा। ये भी कहा कि जरदारी साहब के केसेस का सारा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत से गायब हुआ। मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठे इल्जामात के बावजूद अदालतों का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। सी पैक खतरे में पड़ चुका है। लगता है इमरान खान के बाद पीपल्स पार्टी को भी परवेज मुशर्रफ की वैक्सीन लग गई। दलाल चौधरी का तंज। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन नाहली केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन ने ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड अदालत में जमा कराई थी। एतमाद में लिए बगैर कौमी असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया गया। ये पार्लियामेंट से मजाक है, खुर्शीद शाह का शिकवा। कहा हुकूमती अरकान को अपनी ही हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समाअत। बानी MKM खुशबख्श शुजात और दीगर के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फारूक सत्तार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अफगानिस्तान में कत्ल किए गए पाकिस्तानी सिफारतकार नैयर इकबाल का जज्दे खाकी तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। मैयत की हवालगी के बाद सरहद का गेट खोल दिया गया। मौसम बहुत खराब है, खांसी है, गला खराब है, बुखार है, जुकाम है। दवाई ले रहा हूँ मैं, आराम नहीं आ रहा मुझे, अब आखिर इधर आया हूँ। पंजाब में स्मोक से अमराज में इजाफा। हद निगाह कम होने से पेश आने वाले हादसात में दो अफराद जहाँ बहक। दो तीन रोज तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं। स्मोक का मसला बरकरार रहेगा। जामिया कराची की एकेडमिक काउंसिल ने तलबा से दाखिले के वक्त हल्फनामा लेने की बाकायदा मंजूरी दे दी। तकरीबकारी और सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का हल्फ देना पड़ेगा। टक्कर में रहीम यार खान जाने वाली बस रक्षों पर चढ़ गई। हादसे में तीन अफराद जहां बहक, 8 जख्मी। गुजरावाला सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग। पेशी पर आने वाले दो अफराद को निशाना बनाया गया, दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
कराची में मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। मंगोपीर में ट्रक से 5 टन चरस बरामद, मुलजिमान फरार हो गए।